हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन योर केमिस्ट्री क्लासेस रन बाय एलॉटे सेकेंडरी स्कूल जौनपुर, एंड आई एम सरफराज अहमद इन फ्रंट ऑफ यू विथ माय लेक्चर नंबर 6। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्शन, हियर आर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सम ऑफ देम वी विल स्टडी हियर। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। Okay students, another is decomposition reaction, okay students, decomposition reaction जो है वो three types हो सकता है, thermal reaction हो सकता है, फोटो रिएक्शन हो सकता है और इलेक्ट्रोलिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पे भी दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, अनदर इज फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स, अनदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद वी विल डिस्कस अबाउट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, बट सम स्पेसिफिक डिफरेंस है, वो वी विल डिस्कस अबाउट इन अदर क्लासेस, डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, डिसोसिएशन रिएक्शन के बाद वी विल डिस्कस अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, एंड लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के टाइप को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आपको आपको शॉर्टेस्ट एग्जांपल एक इसका देता हूं पहले का, एडिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, जब भी दो या उससे अधिक आपका रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। इसमें जैसे कि अगर हाइड्रोजन है H2 प्लस आयोडीन से ये रिएक्ट करता है और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, वन आपका वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मोल ऑफ आयोडीन combine together and form two mole of hydrogen iodide. तो यहाँ पर two mole को आप ना देखते बल्कि आप देखिए hydrogen iodide, ये single product है।
डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट है कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सो दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से हम लोग फर्दर की प्रोसेस फर्दर को पढ़ेंगे और आज के लिए आप इसका नोट डाउन कीजिएगा और इसके बारे में आप इसको पहले तो आप लर्न कर लीजिए। लर्न करने से ये हो जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में अगर सिंपली ऐसे पूछ दिया गया कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स, और जो सिर्फ दो नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इसको लिख देना है और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो पहले तो आप इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन केमिकल रिएक्शंस और इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो कीप वाचिंग, कीप स्टडी एंड गेट एंजॉय। कोरोना का डेट बढ़ गया कि इसलिए आप लोग कोरोना में अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।